आपको भी अमीर बनना है, पैसे कमाने, तो इस वीडियो को एंड तक देख के जाना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भवप्रीत सिंह सोनी, कॉर्पोरेट लॉयर कंसल्टेंट। स्टार्टअप्स को मैं मदद करता हूँ स्केलिंग के अंदर, ग्रोथ के अंदर, और हम बिजनेसेस को स्केल करने में मदद करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको बिजनेस के मॉडल्स को बनाना है, कैसे आपको पैसे बनाने हैं अपने बिजनेस से। काफ़ी सारे लोग पैसा कमाना चाहते हैं बट उनको पता नहीं होता कि मार्केट में पैसा बनेगा कैसे। काफ़ी सारे YouTube वीडियोस पे आप गए होंगे, वहाँ पे आपको समझाया गया होगा कि अगर बिजनेस में ग्रोथ करना है तो अच्छी सेल्स टीम को हायर करो, उनको ट्रेनिंग दो, डिजिटल मार्केटर्स को हायर करो, उनके पूरे दिन आपको एड्स दिखते होंगे कि फेसबुक ऐड चलाओ, इंस्टाग्राम ऐड चलाओ, यूट्यूब ऐड चलाओ, इतना पैसा बर्न करो, मार्केट की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उससे आप अमीर बनोगे। बट आज मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूँ। देखो, इंस्टाग्राम ऐड्स चलाना, सेल्स टीम को हायर करना, ये सब बहुत छोटी चीज़ें बाय प्रोडक्ट्स हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये हर कोई कर सकता है और हर बिजनेसमैन कर रहा है। बट एक अमीर आदमी ऐसा क्या करता है कि वो अमीर बन जाता है और बाकी लोग नहीं बन पाते? इतने सारे बिजनेसमैन हैं, सिर्फ कुछ ही लोग क्यों करोड़ों लाखों के टर्नओवर तक पहुंच पाते हैं? सबसे पहली चीज़ जो अमीर आदमी करता है, वह बड़ी इनकम के ऊपर फोकस, वो बड़ा पैसा सोचते हैं कि भैया मेरे को 100 करोड़ कहाँ से आएगा। वो पैनी पर फोकस नहीं करते। किसी भी अमीर आदमी से, बड़े आदमी से बात करना, उसका सारा फोकस होता है बड़ी जगह पे कि यहाँ से मेरा पैसा कहाँ आएगा, वहाँ अपना वो फोकस डालते हैं, नीचे के इनकम पे वो फोकस नहीं डालते। वो देखते हैं कि हम वैल्यू जनरेशन कैसे करें, क्योंकि उनको एक चीज़ पता है, किसी के लाइफ में कुछ हम वैल्यू जनरेट करेंगे तो हम पैसा कमा पाएंगे। बट वैल्यू जनरेशन वो स्केल के ऊपर करते हैं। अब देखिए, हार्ड वर्क, मेहनत करना, दिन रात काम करना तो किसान भी करता है, ऐसे थोड़े ना किसान सो जाता है, वो खेती करता है, हार्ड वर्क करता है। क्या आपने कभी देखा है कि सारे फार्मर्स अमीर बन गए? वो नहीं, कुछ फार्मर्स अमीर बन पाते। क्यों? उनको स्केल करना आता है, लोगों को हायर करना आता है बड़े मार्केट में, उनके पास वहाँ का एक्सेस है कि यहाँ हमें अपना माल बेचना है, यहाँ हमें प्रीमियम पैसा मिलेगा। जो छोटे फार्मर्स होते हैं, ना तो उनको स्केल करना आता है, ना बड़े मार्केट का पता होता है, ना वो प्रीमियम कस्टमर्स को लेकर आ पाते हैं। यही आपको आज की वीडियो में समझाने वाला हूँ। किसी प्रॉब्लम के पीछे मत भागो, कस्टमर्स, उनकी डिज़ायर, उनको क्या चाहिए, उसके पीछे भागो। आपको अपने कस्टमर को समझना है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, 5-star होटल्स इंडिया के अंदर काफ़ी सक्सेसफुली रन हो रहे हैं। एक चीज़ मुझे बताओ, 5-star होटल कौन सी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? 5-star होटल वाले कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपके डिज़ायर्स को फुलफिल कर रहे हैं। क्यों? लग्जरी इंटीरियर है, एक स्टेटस सिंबल है, आपको वो चीज़ें समझनी है, आपके कस्टमर को क्या चाहिए। गुटके से बात करता हूँ, अब गुटका कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, उल्टा ये प्रॉब्लम बढ़ा रहा है। सिगरेट कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? कोई नहीं, प्रॉब्लम बढ़ा रहा है। बट क्यों? इसको बनाने वाले पैसा कमा रहे हैं। क्यों? जो पी रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसकी एक डिज़ायर है, उसको ये फुलफिल कर रहे हैं, अब उससे वो पैसा कमा रहे हैं। बिस्लेरी ले लो, पानी आपके घर में भी है तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं कर रही, बट फियर है, फियर दिखा दिया कि भाई साफ पानी पीना चाहिए आपको, मिनरल वाटर पीना चाहिए, जिसके चक्कर में 20 रुपए की बिस्लेरी की बोतल आप खरीदते हो। पानी तो घर में भी अवेलेबल है ना, बट फियर दिखा के बिस्लेरी के मालिक पैसा कमा रहे हैं। आज कंपनी 7,000 करोड़ की होगी, जबकि रिटेलर कुछ नहीं कमाता, 2-3 रुपए का मार्जिन, उसमें भी फ्रिज को मेंटेन करना है, स्टॉक को मेंटेन करना है। बट क्यों कंपनी स्केल कर पा रही है? क्योंकि वो हजारों करोड़ों रिटेलर तक जा रही है। आपको इसे समझनी पड़ेगी, कस्टमर को समझना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा, और उनको फिर स्केल करना पड़ेगा। जब आप इन सब चीज़ों का एक मिक्सचर रेडी कर लोगे ना, आप बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमा पाओगे और बड़े बिजनेसमैन बन पाओगे। और देखिए, आज कोका कोला कंपनी है, करोड़ रुपये कमा रही है, उनका हमेशा माल आउट ऑफ स्टॉक रहता है। क्यों? डिमांड क्रिएट कर दी, एक सील थप्पड़ लग गया, जो इनके शेयर होल्डर्स हैं, CEO हैं, मेन फाउंडर्स हैं, सब प्रॉफिटेबल है, सब नोट छाप रहे हैं। तो आपको ये चीज़ धंधे के अंदर समझना है कि स्केल करना जरूरी है। बिस्लेरी का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अब जब जब आपको बिजनेस में स्केल करना है ना, तो आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हर चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको दूसरों से काम करवाना आना चाहिए। अगर आप खुद काम करोगे तो 2 हाथ चलेंगे, 100 लोग काम करेंगे तो 200 हाथ आपके लिए काम करेंगे, उतना पैसा आप बनाओगे। बट आपको पता होना चाहिए कि उन 200 हाथ को चलवाना कैसे। स्टीव जॉब्स का एग्जांपल लेता हूँ। एक चीज़ आपको शायद पता होगी, एप्पल कंपनी में स्टीव जॉब्स ने फ़ोन नहीं बनाया था, एप्पल आईफोन। अब आईफोन स्टीव जॉब्स को नहीं पता कि कैसे बनता है, कैसे स्क्रीन बनती है, कैसे कैमरा बनता है। उनको ये पता है मेरे कंज्यूमर को क्या चाहिए, कैसे मेरे कस्टमर को लेकर आना है, कंज्यूमर को लेकर आना है। अब स्टीव जॉब्स इंजीनियर्स को हायर करना जानते थे, डिज़ाइनर्स को हायर करना जानते थे, डिज़ाइनर को हायर करा, इंजीनियर्स को हायर करा, अब उनसे काम कैसे लेना है। काम कैसे, सबसे बड़ी बात होती है जब आप उस फील्ड के ना हो, उनको उन लोगों से काम लेना आता था। अब
उन सारे लोगों की उन्होंने टीम बनाई स्मार्ट लोगों की, उन्होंने आईफोन क्रिएट करा, एप्पल के पास सारे उस आईफोन के राइट्स हैं। अब स्टीव जॉब्स को उसको बेचना ही था मार्केटिंग टीम लगा के, वहाँ से वो पैसा बना के इतनी बड़ी कंपनी बना के। और देखिए, एक एंटरप्रेन्योर शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं बनाता है, वो लॉन्ग टर्म गोल्स बनाता है। जो शॉर्ट टर्म गोल बनाएंगे ना, वो क्या करेंगे, वो 10-20-50 हज़ार रुपये 2000 रुपये की इनकम में लग जाएंगे। बड़े गोल्स बनाओगे तो बड़ी इनकम में जाओगे, बड़ी इनकम की तरफ जाओगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, खुद का पैसा, टाइम, रिस्क, ये सब आपको लगाना पड़ता है। आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ सोचनी पड़ती है कि फंड रेज कहाँ से कर सकता हूँ, लोन कहाँ से ले सकता हूँ। इजी मनी के पीछे एम्प्लॉय भागता है, ध्यान रखना, क्यों, एम्प्लॉय को हर महीने अपनी सैलरी की टेंशन होती है, उसको सैलरी टाइम पे चाहिए। तो जॉब एक बहुत बड़ा स्कैम है जो एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर देते हैं, जहाँ पे लोग आके फंस जाते हैं उस सिस्टम एंड प्रोसेस के अंदर, और वो हर महीने अपनी सैलरी के लिए काम करते रहते हैं। आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपको इसके पीछे नहीं भागना है, आपको बड़ी इनकम के पीछे भागना है। और देखिए, जॉब तो मार्केट के अंदर हज़ारों लाखों अवेलेबल हैं, बट एंटरप्रेन्योर्स कितने हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, बहुत कम। वहाँ जाओ जहाँ कॉम्पिटिशन कम है, जहाँ कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, क्योंकि वहाँ पर लोग कम है, कॉम्पिटिशन आपका ऊपर के लेवल पर कम है। बट जॉब में तो है ही ना, इतने सारे लोग जॉब चाहते हैं, हर महीने फिक्स पैसा आएगा अकाउंट के अंदर, पैसे कमाते रहेंगे, बट उससे क्या आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको ग्रोथ वाले डिसीजन लेने लाइफ के अंदर, इसका ध्यान रखना। और हमें क्या लगता है, हम बिजनेस चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, हर चीज़ हम खुद कर ले, डिजिटल मार्केटिंग से लेकर छोटी मोटी चीज़ें, सेल्स वगैरह नहीं। पीपल आर देयर इन द मार्केट, आपको सिर्फ राइट आदमी को राइट जगह हायर करना है। आपको कंपनी फॉर्मेशन नहीं आता, आप किसी CA को हायर कर लीजिए, आपको ट्रेडमार्क का नहीं पता, कॉर्पोरेट लॉयर्स को हायर कर लीजिए, टैक्सेस, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, कौन कौन से लाइसेंसेस लगेंगे उसके लिए आप कंसल्टेंट्स को हायर कर सकते हैं। मेरी एक लीगल टेक फॉर्म है सोनीस विजन, जो कि अब ऑटोपायलट मोड के ऊपर चल रही है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे आप फ़ोन करके मेरी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। सारे तरह के लीगल सर्विस, रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क, कंपनी फॉर्मेशन, इंटरनेशनल एक्सपेंशन, उसके लिए मैंने टीम बिठा रखी है जो आपको मदद करेगी। हर चीज़ के लिए लोग अवेलेबल है, आपकी जेब में पैसा होना चाहिए और राइट नॉलेज होनी चाहिए कि बिजनेस का मॉडल कैसे बनाना है, स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, आउटपुट अपनी टीम से कैसे लेना है, सिर्फ आपको इतना ही तो करना है। हर चीज़ के लिए बंदा अवेलेबल मार्केट के अंदर, इस चीज़ का ध्यान रखना। मार्केटिंग, वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, ग्रोथ प्लान्स, ये भी समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे बनेगा, उसके लिए भी लोग अवेलेबल हैं। बिलियन प्रीत में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है बिलियन प्रीत का। यहाँ पे आप कॉल करके वेबसाइट कैसे बनानी है, फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे बनेगा, प्लान्स एंड एक्सपेंशन कैसे बनते हैं, हर चीज़ के बारे में पूछ सकते हो। इवन अगर आपके लीड जनरेशन नहीं हो रहा धंधे के अंदर, सेल्स नहीं आ रही है, उसके लिए आप एक्सपर्ट टीम्स एंड कंसल्टेंट्स हैं, तो इस नंबर पर आप कॉल करके उनसे कनेक्ट हो सकते हो। सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके जेब में पैसा है, आपको चीज़ें पता है मार्केट की, तो आप इजीली किसी को भी हायर कर सकते हो, उनको पैसा दे सकते हो और ग्रो कर सकते हो। बिजनेस में सिर्फ आपको अपने कंज्यूमर को समझना है। जब आप अपने कंज्यूमर को समझ गए ना कि आपका कंज्यूमर चाह क्या रहा है, क्या उसकी नीड है, डिज़ायर है, कैसे आप उसको फुलफिल कर सकते हो, आप गेम को जीत जाओगे। मार्केट लीडर कोडैक फेल क्यों हुआ, क्योंकि देखिए लोग परेशान हो गए थे बार बार पेपर खरीद खरीद के। अब मुझे फोटोग्राफी करनी है, मैंने गलत पिक्चर क्लिक कर ली तो मेरा पेपर वेस्ट हो गया, पेपर की कॉस्ट लगती है। अब कंपनी को तो मज़ा आ रहा था, क्यों, उनकी सेल बढ़ रही थी, उससे उनको पैसा मिल रहा था, बट कंज्यूमर परेशान हो रहा था। अब डिजिटल कैमरा मार्केट के अंदर आया, कोडैक ने उसको अडॉप्ट करने से मना कर दिया कि हमारा नुकसान है, पेपर नहीं बिकेगा, रेगुलर इनकम नहीं आएगी, बट कंज्यूमर तो परेशान था, वो मूव हो गया डिजिटल कैमरा की तरफ। और अल्टीमेटली सबको पता है कोडैक मार्केट से आउट हो गया, खत्म हो गया, बट कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। उसके बाद देखिए डिजिटल कैमरा के बाद क्या हुआ, अब लोगों को एक अपना पैसा 60,000, 80,000, 90,000 कैमरा के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ रहा था, क्योंकि डिजिटल कैमरा भी सस्ते नहीं आते। अल्टीमेटली स्मार्टफोन कंपनीज आई, आईफोन आया, सैमसंग के फ़ोन्स आए, वीवो के फ़ोन्स आए, ओप्पो के फ़ोन्स आए, और आज कितनी सारी ब्रांड्स इस मार्केट के अंदर आ गई। और देखिए मोबाइल फ़ोन के अंदर ही एक से एक कैमरा आ गए। अब देखिए जो हमारा कंज्यूमर कस्टमर है ना, अब उसको एक्स्ट्रा कैमरा खरीदने की जरूरत नहीं है 90,000 रुपये का, 80,000 रुपये का। अब वो अपने स्मार्टफोन से एक अच्छी खासी हाई क्वालिटी फ़ोटो क्लिक कर सकता है। एक स्मार्टफोन 30,000, 40,000, 50,000 रुपये तक अच्छे से अच्छा आ जाता है, जहाँ पे आपको अपनी जेब में उसको रखना है और कहीं भी आप जा सकते हो उसको लेके, जबकि कैमरा बड़ा होता है, उसको लेके ट्रैवल करना, कहीं लेके जाना, उसकी केयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो डिजिटल कैमरा का मार्केट खा गया स्मार्टफोन। मार्केट में अभी और इनोवेशन चल रही है, और नई नई चीज़ें आ रही हैं, हो सकता है 10 साल बाद लोग स्मार्टफोन भी ना रखें, स्मार्ट वॉचेस के अंदर ही कैमरा आ जाए। तो बिजनेस कंटिन्यूसली चेंज होता है कस्टमर की नीड के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। जो चीज़ आज से 20 साल पहले चल रही थी, 10 साल पहले चल रही थी, वो आज नहीं चलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। कंटिन्यूस इनोवेशन हो रहा है और आने वाले 10 साल में और चीज़ें बदल जाएंगी। आप नहीं बदलोगे, आप बैठे रहो, आप मार्केट से आउट हो जाओगे, नए प्लेयर्स आ जाएंगे।
अब जब आप बिजनेस का प्लान बनाते हो, बिजनेस करने के बारे में सोचते हो, तो आपको सबसे पहले देखना है प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, मेरे रॉ मटेरियल मेरे को मिल सकता है नहीं मिल सकता, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है मेरे प्रोडक्ट को लेके। क्योंकि देखिए कॉस्टिंग ज़्यादा होगी, कंज्यूमर बेवकूफ नहीं पागल नहीं जो आपको पैसा देगा, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ता है आज के टाइम में मार्केट के अंदर, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, मोनोपोली किसी चीज़ की नहीं रही है। आप कस्टमर से कितना पैसा ले सकते हो और कितना पैसा वो देने को रेडी बैठा है, टीम कैसे बनाओगे, हायरिंग कैसे करोगे, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, क्योंकि हायरिंग है ना क्रिटिकल टास्क है, इसका भी ध्यान रखना। अगर आपको 100 करोड़ पे जाना है तो टीम भी फिर वैसी होनी चाहिए, 1000 करोड़ पे जाना है फिर टीम भी वैसी होनी चाहिए, लीडरशिप भी वैसी होनी चाहिए। और देखिए अगर आपको ऑडी में घूमना है ना तो अपनी टीम को होंडा सिटी के सपने दिखाओ, अगर आपको रोल्स रॉयस में घूमना है तो अपनी टीम को ऑडी BMW के सपने दिखाओ। जब तक आपकी टीम सपने नहीं देखेगी, मोटिवेटेड नहीं होगी, इंस्पायर्ड नहीं होगी, कभी आप धंधा बड़ा नहीं कर सकते हो, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद जो बिजनेस का प्लान होता है ना, हवा हवा में नहीं चलना चाहिए। मैं काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर से CEO से मिलता हूँ जो स्टार्टअप चला रहे हैं, बिजनेस को अभी चालू कराए, 20-30 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट पता प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है बिजनेस प्लान को पेपर के ऊपर लिखना, क्योंकि आज हमें ये चीज़ अच्छी लग रही है, हम इस चीज़ को ऐसे करेंगे, 3 दिन बाद वो चीज़ चेंज हो जाएगी, 8 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद प्लान ही आपका बदल गया, दूसरे प्लान पे आप काम कर रहे हो। उससे पता है क्या होता है, हर बार आप नई टीम लेकर आते हो, पुरानी टीम का ले ऑफ करते हो, टीम चेंज हो रही है, स्ट्रैटेजी चेंज हो रही है, धंधा ग्रो नहीं हो रहा है, लूप में फंसे हुए हो। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपको बिजनेस प्लान को पूरा पेपर पे लिखना है, रिटर्न डाउन करना है स्ट्रैटेजी को, सैलरीज को, एक्सपेंसेस को, रेवेन्यूज को। जब रिटर्न में होती है ना तो हमारे माइंड में छप जाती है। अब मार्केट में कंपटीशन को भी देखो, क्योंकि देखो आप कंटिन्यूसली इनोवेशन नहीं कर रहे हो, आपका कंपटीशन भी इनोवेशन कर रहा है, उनसे की वेबसाइट पे जाओ, कंपटीशन तो होगा जिस इंडस्ट्री में हो, उनकी वेबसाइट पे जाओ, देखो वो क्या बेच रहे हैं, किस रेट पे बेच रहे हैं, सेल्स कैसे आ रही है, लीड्स कैसे आ रही है। लिंक्डइन पे जाओ, उनकी टीम पूरी मिल जाएगी, इन्होंने टीम स्ट्रक्चर कैसे बनाया है, उनकी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म होगा, अपनी टीम में किसी को हायर करो, बोलो कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म भर, इनकी कंपनी के नंबर पर फ़ोन कर, वहाँ पे फ़ोन करके हर चीज़ पूछो ना कि आप कितने में दे रहे हो, क्या डिलीवरी चार्जेस हैं, कितने टाइम में डिलीवर होगा, प्रॉब्लम्स पूछो, जो कस्टमर आपसे पूछ रहा है उनसे पूछो, देखो वो कैसे कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। फिर क्या करो, गूगल पे जाओ, उनके रिव्यूज़ पढ़ो, कॉम्पिटिशन के रिव्यूज़ भी होंगे कोरा के ऊपर, गूगल के ऊपर, उसको पढ़ो, देखो क्या वो बेटर कर रहे हैं, कस्टमर किसके लिए उनकी तारीफ़ कर रहा है, कंपनी चल रही है मतलब रेवेन्यू से चल रही है, रेवेन्यू तब आ रहा है जो कस्टमर खुश है। तो पढ़ो कि कस्टमर को क्या चीज़ अच्छी लग रही है, और हर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता, तो ये भी पढ़ो कस्टमर को क्या चीज़ बेकार लग रही है, और जो चीज़ उनके कस्टमर को बेकार लग रही है उसको अपने इंप्रूव कर लो, उस कस्टमर को अपनी कंपनी के अंदर लेकर आ जाओ। समझ में आ रही है आपको बात? खाली आपको उनसे सीखना है, और सीखना फ्री है, खाली वेबसाइट पर जाना है, ऑडिट्स करनी है, थोड़ा टाइम लगेगा रिसर्च करने में, मूनलाइटिंग करने में, आप भी सीख जाओगे, जो अच्छा कर रहे हैं उसको कॉपी कर लो, जो खराब कर रहे हैं उसको रिमूव कर दो, उससे आप तेज ग्रो हो पाओगे। आप लोगों को बस इन सब चीज़ों का ही ध्यान रखना है अगर आपको अमीर बनना है, बड़ा बिजनेस बनाना है, यही सीक्रेट फॉर्मूला, यही रेसिपी है जिससे आप अमीर बन सकते हो। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी, मेरा कंटेंट अच्छा लगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, रेड कलर का आपको बटन दिख रहा होगा, क्योंकि जैसे ही हम काम की वीडियो लेकर आते हैं, नई वीडियो लेकर आते हैं, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर @VapriSoni पर फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, और दूसरा प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन के ऊपर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, दोनों आईडी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां कमेंट करके मेरी टीम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो हमें इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।